बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स कैसे हो सब फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। क्या है कि मैं दाल बना रही थी और तड़का दाल, तो मैं सोची कि एग डाल के बना देती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। मैं मसूर दाल का तड़का दाल बना रही हूँ और साथ में थोड़ा सा भुर्जी बना ली एग का। और ये देखिए हमारा दाल का छौंक ऑलरेडी लग गया था, एंड में मैं अंडा डाल रही हूँ और ये टिफ़िन के लिए है, और एंड में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो चलिए फटाफट टिफ़िन पैक कर लेते हैं, सुबह का टाइम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदितास फैमिली, कैसे हो सब। तो फ्रेंड्स आज ना मैं एक मिठाई बनाने जा रही हूँ अमूल पाउडर से, बहुत कुछ डाला जाएगा, शुरुआत अमूल पाउडर से हो रहा है। और मैं आज ना हेवी हेयर ऑयलिंग भी करने वाली हूँ, तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी आने वाला है, मतलब वो बनाने वाली हूँ। बहुत दिन से मन हो रहा था, लेकिन ये जो रेसिपी है ना बहुत सारे जगह पर नहीं मिलते हैं, तो घर पर ही तो बना के खा लेंगे, उसमें क्या है ना, जो भी मन हो बनाओ खाओ। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं की हूँ तैयारी। चलिए यहाँ पे मैं फ्राई पैन ले ली हूँ, थोड़ा सा घी 1 से 2 स्पून के करीब घी ली हूँ, और इधर लंच के लिए ना मैं बैंगन का भरता बनाऊँगी, तो बैंगन जला रही हूँ, इसको हम साइड पर रख देते हैं, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं 1 कप से ना पानी ले ली हूँ, हल्का गुनगुना पानी, आप चाहे तो दूध भी ले सकते हैं। और बहुत सारे मैं डाल दी हूँ, जितना मुझे चाहिए होगा, 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब अमूल का पाउडर डाल दी हूँ, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, इसको मैं लगातार चलाते हुए पकाऊंगी, जैसे नीचे चिपके नहीं, और देखो तुरंत ही मैं चिपकना शुरू हो गया है, तो इसको बिल्कुल भी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ना जो खोया है, खोया को मैं बना ली हूँ, और इसको भी अभी मैं ठंडा होने दूंगी अच्छे से, फिर इसका इस्तेमाल हम करेंगे, और अच्छे से इसको हम कुरद के निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, पहले इसको हम ठंडा हो जाने देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदितास फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स कैसे हो सब। तो फ्रेंड्स बहुत दिन बाद आज फिर से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही, 4-5 दिन हो गया नहीं की थी, थोड़ा सा व्यस्त हूँ, बच्चों लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज ना मैं एक मिठाई बनाने वाली हूँ, खीरो गजा बोलते हैं उड़िया में, दूसरा नाम कुछ होगा शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गया मीठा नहीं खाए हैं, तो कुछ मीठा बनाते हैं। और दोपहर का टाइम है, अभी 12:30 बज चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हैंकी, अभी मैं हैंकी टक कर दूँगी जल्दी से, फिर मिठाई भी बनाऊँगी, लंच आधा अधूरा बना है उसको भी कम्प्लीट करना है। मैंने एक हेयर मास्क लगाई थी, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी, उसका भी रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज ना मैं हेवी हेयर ऑयलिंग भी करूँगी, दोपहर को करूँगी, तो वीडियो को ना फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो न्यू है मेरे चैनल में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए किचन में जल्दी से काम निपटा लेते हैं, कर लेते हैं काम।
चावल यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। दाल का छौंक लगाऊंगी, ऑमलेट बनाऊंगी, चावल मेरा बन गया है। और सब्जी मशरूम का करी और बैंगन का भरता वो बनाई थी, वो भी है। तो चलिए अभी ना हम खीरो गजा का तैयारी कर लेते हैं। मैं जो भी सामान निकाली नहीं हूँ निकालूंगी, फिर आपके सामने बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं और कैसा बनता है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है खीरो गजा बनाने का, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे ना मैं कुछ सामान जो मुझे सामान चाहिए सारे निकाल ली हूँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं और आटा लगा लेते हैं कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दूध ले ली हूँ, जितना मुझे ज़रूरत होगा उतना मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे घी, ये देसी घी 2 से 3 स्पून है, तो इतना मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये है खोया जो मैं घर पे ही बनाई हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सौंफ बोलते हैं इसको, और थोड़ा सा इलायची को मैं दरदरा कूट ली हूँ। और मैदा यहाँ पे मैं ले ली हूँ, और इसका डबल मैं मैदा इस्तेमाल करूँगी। और खाने का सोडा मैं 1 छोटी चम्मच इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए फटाफट हम आटा लगा लेते हैं। पहले ना इसको मैं अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी मावा को। यहाँ पे देखिए हमारा आटा अच्छे से लग चुका है। इसको बहुत ज़्यादा मैं सॉफ्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको हम नहीं किए हैं। और इतना दूध लगा है मुझे, आधा दूध लगा है। तो इसको हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं। बहुत ही लो फ्लेम पे इसको मैं बंद भी कर दूंगी, और एक फ्राई पैन में मैं चाशनी बनाऊंगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। Thank you.
वाला गोजा है, छेना गोजा तो नहीं खीरो गोजा, वो कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट ठंडा होने देंगे, उसके बाद प्लेटिंग करेंगे और बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। अभी तो हम टेस्ट नहीं किए हैं। उसका कलर देखिए, उसका कलर जो है परफेक्ट आया है। मुझे ना थोड़ा क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट उस टाइप का पसंद है, जिस टाइप का पसंद है उसी टाइप का मैं बनाई हूँ। तो चलिए हेयर ऑयलिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारा खीरो गजा बन के तैयार हो गया है, पूरा ठंडा हो चुका है और ऊपर से ना क्रिस्पी और अंदर से आप देख सकते हैं सॉफ्ट और अच्छे से पक गया है। बहुत ही डिलीशियस है, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा चाहे तो। तो फ्रेंड्स मैं अभी हेयर ऑयलिंग करूँगी कोकोनट ऑयल, 100% प्योर कोकोनट ऑयल। तो चलिए हेयर मसाज कर लेते हैं। बहुत दिन मतलब 2-3 दिन हो गया है ऐसे ही ड्राई करके मैं रखी थी, हेयर ऑयलिंग नहीं की थी। आज सैटरडे है तो मैं सोची कि अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर लूँ, तो कल मैं फिर शैम्पू कर लूँगी, ठीक है। और अब देख सकते हैं मेरा बालों का लेंथ। ऑयलिंग कर ली बहुत अच्छे से, उसको मसाज भी कर ली। मैं कॉम्ब आज नहीं करूँगी, ऐसे ही उसको जुड़ा बना दूँगी, टाई कर लूँगी। अब चाहे ना तो उसको चोटी भी बना सकते हो। मैं थोड़ी देर बाद कॉम्ब करूँगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव। पूरा ठंडा हो गया है मिठाई। बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छा। आप लोग भी घर पे बनाओ, खाओ, है ना। बाय।